कान में बोले हो, पापा के कान में बोलो सर। बोल रहे जाओ नहीं, लेकिन इसको तो मैं सोचता हूं मैडम ने बोला कि एक दूसरे को डालना है। आज मैं आऊंगा, जाओ जाओ आप लोग आएंगे से। अच्छा भाई आपके बिना नहीं जा सकते, जाओ सब में शॉट पर एक दो कोऑर्डिनेट। अरे मोबाइल मोबाइल सुन लो यार सुन। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। चलो पीछे हटो, पीछे चलो चलो। अरे आने तो दो तभी पीछे। अरे पीछे जाओ ना यार। गणपति बप्पा मोरया। क्या वो हैवी नहीं है क्या? मोरया मोरया कुचा बक्षी लवपरिया। गणपति बप्पा मोरया। उधर जाओ मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पूजा वर्षी मोरया। 1 2 3 4 गणपति सदैव। 3 4 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 अविनाश इतना नाच क्यों रहा है तू बीच में यार? बहुत मारा रखो यार थोड़ा सा, अरे लंबा रखो थोड़ा बीच में। गणपति बप्पा गाड़ी है रे। गणपति बप्पा आसिम भाई थोड़ा पीछे ले लो। मोरया रे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश। हटो हटो भाई हटो हटो भाई 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 चलो उधर। हाँ हाँ जाओ रास्ता है रास्ता है। रोल है ना तुम्हारा, रोल है ना। सर सबसे पहले तो गुरमीत जी और देवनाथ जी विसर्जन का वक्त था और काफ़ी इमोशनल वक्त होता है, क्या कहना चाहोगे? आज एक्चुअली ज़्यादा ही इमोशनल लग रहा था क्योंकि गणपति जी गणपति जी हमारे रामलला के रूप में आए थे और आज इतना नज़दीक से गणपति जी को विसर्जन करते हुए देखा, तो क्योंकि 1.5 दिन का हमने मौका मिलता है इनकी सेवा करने का, और ये दिन ये टाइम बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि हमसे दूर जा रहे होते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो दोबारा आएंगे। और देवीनाथ तो एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गई थी जब हम आरती कर रहे थे, गणपति बप्पा जी के आँखों में वेल इस बार बच्चे थोड़े समझदार हो गए, सब समझने लगे और इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम देख रहे थे घर में, क्या कहना चाहोगे? इनको बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से हम अपना जो भी रिलीजन है, जो भी प्रैक्टिसेस है, ऐसे रिचुअल्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं एंड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वेल आपसे जाना चाहेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट कमांडर जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहोगे और क्या पाइपलाइन में है और इस बार पापा से क्या कुछ मांगा है, कितना ब्लेसिंग रहा है इस साल? देखिए ये साल काफ़ी स्पेशल रहा। मैं लगातार 2 प्रोजेक्ट पे शूट कर रहा था, एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हो गया कमांडर करण सक्सेना जो कि काफ़ी अच्छा गया, तो और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और दोबारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर मिड में रिलीज़ होने वाला है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि अभी कमांडर के प्रमोशन के बाद जब वो चल जाता है तो एक खुशी का माहौल है। बीच में अभी 10-15 दिन का थोड़ा आराम मिलेगा, फैमिली के साथ मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा और उसके बाद प्रमोशन में दोबारा आपको मैं दिख जाऊंगा। देवीना आपका पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? नेक्स्ट कौन गेस्ट हो सकता है? वाओ दैट्स द थिंग, मतलब कितनी अच्छी बात आपने बोली। एक्चुअली माई पॉडकास्ट इज़ माई न्यू बेबी। और अच्छा लियाना चौधरी, हाँ पता है सबको। वापस बोलो, तुम्हारा नाम लियाना चौधरी नहीं है, तुम दिविशा चौधरी हो जी। सो गेस्ट पहले सोचा था सिर्फ मम्मियाँ होंगी पर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट गेस्ट अमित त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि गुरमीत मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि यू नो टू एक्सपेरिमेंट वास्ट एंड वाइड and I hope you will get loads of information, motivation, all that is required for the youth of today. Thank you so much. Thank you. Roll rakna acha Ganpati Bappa.